नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत का भाग दूसरा। दोस्तों, यदि आपने प्रतिशत का भाग पहला नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया था कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसमें मैंने डायरेक्ट परसेंटेज निकालना बताया था। दोस्तों, जैसे कि आपको 50% निकालना है तो आपको किससे भाग देना है, 25% निकालना है तो किससे भाग देना है, तो वह है आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक जो कंसेप्ट रहता है वह क्लियर हो सके। इस बात करते हैं दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे संख्या जो यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, यानी कि आप देखेंगे कि 500 का कितने प्रतिशत 250 है। आपको यह निकालना है कि ये जो 250 है वह 500 का कितने प्रतिशत है। तो यदि आपने पार्ट पहला देखा होगा तो आप इसको आसानी से डायरेक्ट बिना किए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को अपन यहाँ पर देख लेते हैं, 500 का कितने प्रतिशत 250 है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि 250 को पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं, 250 अपॉन में लिखते हैं कितने कितने का निकालना है, 500 का निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 500। और दोस्तों, परसेंटेज निकालना है तो अपन इंटू कर देंगे दोस्तों, किससे, परसेंटेज से, यानी परसेंट या प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों सैकड़ा होता है या सेंचुरी। तो जैसे आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जे डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो तो कट जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर ओनली कितने 5 बचे, तो आप इस 5 को 25 से 25 को 5 से काटोगे तो 5 बार जाएगा टोटल, और यह जीरो का जीरो बच जाता है, तो दोस्तों इसका आ जाता है 50, यानी कि आप जो 50% है, यानी कि आप कह सकते हैं 500 का 250 50% है, कितने 50% है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 450 का कितने प्रतिशत 90 है, आप 90 निकालेंगे। ठीक है, तो वही जही रहेगी विधि कौन सी, यहाँ पर 90 लिखेंगे, इसके अपॉन में लिखेंगे कितने 450, इनटू में लिखेंगे कितने 100, तो आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिए इस जीरो से यहाँ पर जीरो कट जाएगा, इसके बाद 45 से 90 को काटेंगे तो 45 दून यहाँ पर 90 हो जाएगा, यानी कि दो बार कटता है। ठीक है, तो दो बार कटेगा दोस्तों यहाँ पर दो, और यहाँ पर कितने 10 बचे हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 10 से इंटू दो में करोगे तो यह हो जाएगा कितना 20%। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 20% हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, 20% हो गया है। ठीक है, कितना 20%, यानी कि 90 संख्या है जो 450 का 20% है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1000 का कितने प्रतिशत 80 है, अब यह 80 दिया गया है कि 1000 का कितने प्रतिशत है, तो आप इसको निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यदि आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो आप यह निकाल सकते हैं कि देखिए मैंने पहले पार्ट में बताया था कि कोई संख्या हो, यदि इकाई के पहले पॉइंट रखने पर 10% बचती है और दहाई के पहले पॉइंट रखने पर यह संख्या बचती है कितना, 1% बचती है। तो यदि 10 में 1% बचती है तो 80, यदि आप इसको 8 से गुणा कर दोगे तो 80 हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कितना, यह 8% है। या फिर आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, मेथड से मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए 80 लिखेंगे, अपॉन में कितने लिखेंगे यहाँ पर 1000, ठीक है, और इंटू में कर देंगे 100, इसके बाद जैसे आप इसको डिवाइड से सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से यह डबल जीरो कट जाएगा और एक जीरो यह बचा, तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर टोटल 8 ही बचा है, तो कितना 8% इसका निकल आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना 8%। इसके बाद दोस्तों दूसरा है यहाँ पर, 1200 का कितने प्रतिशत 300 है, 1200 का कितने प्रतिशत यहाँ पर 300 है। दोस्तों इसको निकालने के लिए यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो देखेंगे दोस्तों इसको कितने कंपेयर भी करके निकाल सकते हैं, यदि आप कंपेयर करेंगे कि इसका 3 3 4 12 है, यानी कि यह 4 गुना है 12, तो दोस्तों 4 गुना है तो यह 4 से डिवाइड किया गया होगा, तो आप दोस्तों जो 4 से डिवाइड होता है भाई कितना निकलता है, 25% निकलता है, यानी कि यदि संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो भाई जो निकलने वाला आंसर 25% उसका कहलाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको 25% कह सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए
मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आप मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर 300 लिखेंगे, अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर 12, और इंटू में कर देंगे या गुणा में कर देंगे 100। आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 00 से यहाँ पर है, 00 कट जाएगा। इसके बाद बचा 12 और 300। आप इसको काटने में दोस्तों, यहाँ देखिए 12 से 300 को काटेंगे तो सबसे पहले यह दो बार जाएगा तो कितना 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो लिख दे, 24 लिख देंगे। इसके बाद बचता है कितना, 6 बचता है। 30 में से 24 जाएंगे तो कितने 6 बचेंगे, वह 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आप 25% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बचता है लास्ट क्वेश्चन पांचवा, कि 1800 का कितने प्रतिशत 360 है, 1800 कितना प्रतिशत 360 है। तो आप इसको भी सॉल्व अपन कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर लिखेंगे कितने 360 और नीचे कितने 1800 लिख लेंगे यहाँ पर, और इंटू में कर देंगे कितना 100 यहाँ पर, या 100 कर देंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो यह 00 से यार दोस्तों 00 कट जाएंगे। इसके बाद बचे 36, तो आप 18 को 36, 360 को 18 से आप मल्टीपल या भाग दोगे तो दोस्तों 18 दूनी दो बार चला जाएगा, यानी 18 दूनी 36, तो यह 0 का 0 बच गया, तो यह 20 निकल आएगा। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 20% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1800 का कितने प्रतिशत 336 है, तो कितने प्रतिशत है दोस्तों, यह 20% है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।